पास अपना अस्त्र गांडीव हाथ में लेकर के गया था। कौन है? बोला मृत्यु को हरा करके मैं तेरे पुत्र को जिला दूंगा। ब्राह्मण शोक मत कर, तू घर जा है? और अर्जुन चले गांडीव लेकर के पहले यमराज जी के पास। यमराज जी बोले वेलकम है? बोले वेलकम वेलकम नहीं, वो बच्चा निकालो। बोले यहाँ एक भी बच्चा नहीं आया है, यहाँ कोई द्वारिका वाले ब्राह्मण की बात कर रहे ना? बोले नहीं, बोले हमने नहीं उठाया है। वो तुरंत स्वर्ग में गया इंद्र के पास, इंद्र तो उनका पिता है, उनके पास जा करके बात बोले। बोले इधर भी कोई आया है, स्वर्ग में कोई आया है, देखा नहीं गया? तो वो गया कहाँ? वो अग्निदेव के लोक में गए, वायुदेव के लोक में, वरुण लोक में, चारों ओर पूरे त्रिभुवन में घूम रहा था, उन ऊपरी मोहर लोक इत्यादि देख करके तपास कर लिया, लेकिन कहीं भी वो बच्चे मिल नहीं रहे थे। और आकर के द्वारिका में मुख लटका करके वो ब्राह्मण बोलता है कि लायक नहीं बच्चा, वो लगा गाली देने वापस। अर्जुन बोलता है ठीक है, चित्ता तैयार करो, मैं अग्नि प्रवेश करता हूँ। भगवान तुरंत बोले है? बोले नहीं, ये जो गाली देने वाले लोग है ना, वही हम लोग की प्रशंसा करेंगे, चिंता मत करो, आओ बैठो। और भगवान ने अपने रथ पे बिठाया है? अर्जुन सखे, यही सखे है उनका है? विष्णु पिता गा रहे हैं अर्जुन सखे, बैठो 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 है? आज जो तुम्हारी निंदा करे कल प्रशंसा करेंगे। रथ में बैठे और उन चार घोड़ा ब्रह्मा की चार घोड़ों के नाम है, है? वो उन घोड़ों के साथ वो रथ चलता हुआ ये खारा समुद्र पार किया। भगवान का रथ सब जगह चलता है, पृथ्वी को छोड़ के पानी में जाता, सर 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 घोड़े वहीं पर चलते हैं पानी में, जैसे पृथ्वी पर चलते हैं। वो खारा समुद्र पार किया, गन्ने का समुद्र पार किया और मधु का समुद्र पार किया, करते हुए सात समुद्र सात द्वीप और सात पहाड़ से युक्त ये सप्त द्वीप पृथ्वी को पार करते हुए वो लोग जा रहे थे। लोकालोक पर्वत आ गया, जहां इस भूमि पूर्ण हो रहा है वहां एक लोकालोक, लोक आलोक माने सूर्य का प्रकाश जहां जाता है और जहां प्रकाश नहीं जाता है, वो दो दीवार के सदृश एक बहुत बड़ा पहाड़ है लोकालोक पर्वत, उनका लोकेशन मिलता है पंचम स्कंद में, आप लोग जाएंगे भागवतम में तो वर्णन है। तो वहां उन सूर्य के दीवार की तरह सूर्य का प्रकाश इस साइड रहता है, उस साइड अंधकार है। भगवान का रथ उन लोकालोक पर्वत को पार करके है और वो अंधकार में प्रवेश किया, और अंधकार में प्रवेश किया तो भगवान के जो घोड़े थे रथ के, वो घोड़े अंधकार के कारण भटक गए इधर उधर, वो चले। भगवान ने आगे सुदर्शन चक्र को रखा और वो सुदर्शन चक्र अंधकार में ऐसे घुसे जैसे भगवान रामचंद्र जी का तीर असुर सेना में घुसता है और वो सरसराट बिंधता हुआ आगे बढ़ता है, उस प्रकार बोले अंधकार को चीरता हुआ और घोड़े को प्रकाश देता हुआ आगे सुदर्शन, पीछे घोड़े लोग, और चलते हुए एकदम अंधकार को चीर करके बाहर निकले तो एकदम दीप्ति युक्त चाजल्यमान प्रकाश, अर्जुन की आंखें बंद हो गई, चौंकिया गई अर्जुन की आंखें, वो बंद कर लिया अपनी आंखों को, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, प्रकृत आंख दिख नहीं पा रही थी है? और भगवान का रथ सरसर सरसर जा रहा था है? उनके बाद में सुंदर भवन दिखाई पड़ा है? और अनेक हीरे जवाहरात और एकदम अद्भुत और उनमें अनंत शेष अनंत फणों के साथ विराजमान, और उनके प्रत्येक फणों के ऊपर अनेक अनेक कीमती से कीमती जवाहरात लगा हुआ था, डायमंड बायमंड सब एक एक फणों के ऊपर, और चमचमा रही थी सारे फण, और इनके सुंदर जैसे दूध जैसे उनका शरीर था, उनके ऊपर अनंत देव आष्ठ भुजाओं के रूप में विराजमान थे है? और जब अर्जुन ने आंख खोला है, प्रकाश से आंख बंद हो गया था, खोला तो सामने अनंत देव को देखा और चकित होकर के है? तो कृष्ण ने अपने ही रूप में अनंत देव को प्रणाम किया ताकि अर्जुन करे, तो अर्जुन तुरंत तो कृष्ण प्रणाम किया तो मैं कैसे खड़ा हूं, खट से प्रणाम किया है? उन भूमा पुरुषी अनंत देव है? तो प्रणाम किया तो अनंत देव बोले तुरंत वो प्रवचन आप पाठ कर लीजिए, ये है श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद के 89 श्लोक 79 नंबर श्लोक है।
79 अध्याय है और इसके 22 नंबर से सुखदेव गोस्वामी इस कथा को कहते हैं है? और इसका श्लोक तो बहुत जाता है, श्लोक वाइज में जाऊंगा तो बहुत देर लग जाएगा, मैं ऐसे ही कथा तो कहते हैं कि जब वो भूमा पुरुष ने कहा हंसते हुए कि देखिए आप दोनों नर नारायण के अवतार हो है? एक नर है और एक नारायण है साक्षात है? और अपनी मेरी कलाओं को लेकर के आप जन्म ग्रहण किए हैं, कुछ अंश मेरा भी लेकर के, तो आपका दर्शन के लिए मैंने इन ब्राह्मण बालक का अपहरण किया था, ये सारे ब्राह्मण बालक मेरे पास है नौ है ये लो, क्योंकि मैं जानता था कि आप लोग यहाँ, तो आपके दर्शन के लिए मैंने ये प्रयत्न, इसका अर्थ भूमा पुरुष इसके अंश है, सिद्ध हो गया है? जिससे सृष्टि प्रवाह चालू है, ये आश्चर्यकारक घटना है सारी इसमें लिखी गई। भागवतम हम पाठ नहीं करते, नहीं हमारा दुर्भाग्य है वस्तुतः, और टेलीविजन में मरते हैं, पता नहीं उसमें क्या रखा है, उसी में रो रहे हैं, वो रो रहा है तो ये भी रो रहा है बैठ कर, अरे वो झूठ मूठ उनको पैसा मिल रहा है रोना का, तुमको तुम्हारा समय बर्बाद हो रहा है और वो रोने का पैसा मिलता है, ये नौकरी वो लाभ है और हम लोग रो रहे हैं, वो झूठ है, वो रोने का पैसा लेकर के रोते हैं, आप लोग क्यों बैठ करके सोफे में रोते हैं, भगवान के लिए रोना चाहिए है? उन विभिन्न पुरुष जिन्होंने इंद्रिया दिया है, आंख दिया, कान दिया, ये सब दिया, उनके लिए रोना चाहिए, हाथ में माला पकड़ कर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, 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 अरे कृष्ण।